श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र स्वरूप की बेअदबी होई, चोरी किए गए, उस दे जिहड़े दोषी ने चाहे डेरा सिरसा दे राम रहीम सिंह, उन्हां सारियां कारवाइयां नूं दरकरार करके केवल तो केवल श्रोमणी अकाली दल नूं जो निशाना बनाया गया, ये अपने आप दे विच इक बेहद शर्मनाक गल सी। चाहे वह हिंदू होवे, मुसलमान होवे, ईसाई होवे, बोधी होवे, जैनी होवे, बेअदबी की घटना दे विच कई शामिल नहीं हो सकता। जिथे जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाशमान ने उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी कदे भी सानू सुनने नहीं छड़ने चाहिए, उस दे आले दुआले सानू पहरेदार बन के सीसीटीवी कैमरे लगा के सारे प्रबंध करने चाहिए ने। सिंह NGO ये सारिया जथेबंदियों वालों सांझे रूप दे विच जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इस दा संबंध है पंजाब दी धरती दे उत्ते पिछले 2015 सन तो लैके अज तक जो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र स्वरूपां दी बेअदबी दीआं घटनावां, वाड़ा जवाहर सिंह वाला बरगाड़ी बैबल कांड जो होया उस नूं लैके है, ये जो भयानक दुखदाई घटनावां वापरियां पंजाब दी धरती ते जिसका हमेशा विरोध हुंदा रहा ते अज तक भी विरोध चल रहा है, उस दी सच्चाई नूं जान के अज पंजाब ही नहीं देश विदेश दीआं सिख संगतां हैरान ने, परेशान ने कि श्रोमणी अकाली दल वर्गी महान संस्था नूं बदनाम करन वास्ते किस पद्धर दी नीच जो साजिश रची गई सी। उस वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र स्वरूप की बेअदबी होई, चोरी किए गए, लेकिन उस दे जिहड़े दोषी ने अज जो सामने आ रहे ने, चाहे डेरा सिरसा दे राम रहीम सिंह और इस तरह जिहड़े उस दे पैरोकार सन, लेकिन उन्हां सारियां कारवाइयां नूं दरकरार करके केवल तो केवल श्रोमणी अकाली दल नूं जो निशाना बनाया गया, ये अपने आप दे विच इक बेहद शर्मनाक गल सी, जिस करके पंथक जथेबंदियों विच भी रोस सी, जिस करके सिख संप्रदावां दे विच भी रोस सी, ते समय समय इस दा विरोध किया जाता रहा ते अज तक जारी है। लेकिन हुण जदों पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक जिहड़ी रिपोर्ट जो SIT गठित की गई सी, उस दी रिपोर्ट पंथक जथेबंदियों के कुछ नेतावां नूं सौंपी है, तो उस तो बाद जो एक सामने आया है घटनाक्रम, उस दे विच किते भी श्रोमणी अकाली दल का जो जिक्र ना होना, यह गल साबित करता है कि श्रोमणी अकाली दल पहले दिन तो जो कहिंदा आ रहा सी ओहो कुछ ही अज साबित होया है। वक्री गल है कि पंजाब दी धरती दे उत्ते श्रोमणी अकाली दल दी सरकार सी, उस सरकार दे विच बहुत ढलियाई भी आई, जिस करके कुछ घटनावां वापरियां जिन्हां दुखदाई घटनावां करके जिहड़ा पंथ विरोधी शक्तियां सी उन्हां ने सीधे रूप दे विच श्रोमणी अकाली दल नूं लबेड़न वास्ते उह सारा घटनाक्रम श्रोमणी अकाली दल दे मत्थे दे उत्ते मड़न दी कोशिश कीती। सो अज पंथक जथेबंदियां दे विचों बहुत सारे वो आगू जिहड़े सुहिरद ने, जिहड़े पंथ नूं समर्पित ने और जिहड़े समझदे ने कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जो आन बाण अते शान वास्ते कोई भी सिख जां कोई भी किसी भी धर्म का जिहड़ा जो व्यक्ति है, चाहे वह हिंदू होवे, मुसलमान होवे, ईसाई होवे, बोधी होवे, जैनी होवे, वह कदे भी धार्मिक किसी भी धर्म के ग्रंथ की जां हाजर नाजर पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना के कई शामिल नहीं हो सकता। जिहड़े मंदबुद्धि लोग, जिहड़े गुरु तो बेमुख ने, जिहड़े संसार दे विच केवल तो केवल लाणता झलणियां चाहुंदे ने, उन्हां लोकां दा जरूर संबंध हो सकता है। सो हुण जिहड़ी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट तो बाद ये गल साबित हो गई है कि पंजाब की धरती दे उत्ते कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जां होर जिन्नियां भी पार्टियां सन, उन्हां ने इस गल दे उत्ते अपनी एक राजनीति चमकाउण वास्ते श्रोमणी अकाली दल नूं बदनाम करन दी कोई कसर नहीं छड्डी। लेकिन जदों हुण सारा घटनाक्रम सामने आ गया है, तो उस संबंध दे विच श्रोमणी अकाली दल जो सिख कौम की एक वो जथेबंदी है जिसने हक सच ते न्याय वास्ते हमेशा संघर्ष किया है, पंजाब की खेतरी पार्टी है और इस खेतरी पार्टी नूं आने वाले समय के जिहड़ियां दरपेश मुश्किलां ने
उन्हां दे विच असीं जो महसूस करते हाँ कि साडे अंदर जो गुरु की भावना है, जो समर्पित भावना करके गुरु के प्रति जो समर्पित हो के असी चलना है, और श्रोमणी अकाली दल के जो सिद्धांत ने सोच है उस दे उत्ते पहरा देना है, और उस दे नाल नाल जो पंथ विरोधी शक्तियां ने उन्हां नाल किवें निजिठना है, उस संबंध दे विच जिहड़ी समुची श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप है उस नूं एक मजबूत रणनीति बनाउणी पवेगी, क्योंकि पंजाब की धरती गुरुआं की धरती है। इस धरती के उत्ते कोई भी जिहड़ा गलती करेगा उस नूं हमेशा इतिहास दे विच जो सज़ा मिलेगी मिलेगी, लेकिन जिहड़ा कूड़ प्रचार करन वाले लोग ने अज जदों समुची रिपोर्ट जनतक होई है, तो सब तो माड़ी गल है कि पंजाब की धरती दे उत्ते साडी मां बोली पंजाबी है, ये जिहड़ी रिपोर्ट है इस नूं हुण असीं पंजाबी दे विच उल्था करके घर घर दे विच पहुँचावांगे और दसांगे कि इस रिपोर्ट दे विच किते भी श्रोमणी अकाली दल की शमूलीयत नहीं सी, और जो असी कहिंदे रहे उह ही सच होया, लेकिन जिहड़ियां बाकी घटनावां की जाँच चल रही है उस दे विच भी जिथे जिथे कताइयां होईयां ने उन्हां कताइयां नूं खुले मन नाल पहलां भी प्रवान किया हुण भी करांगे, लेकिन उस दे जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं हर हाल दे विच सज़ा मिलनी चाहीदी है, वह भावें कोई भी होवे, लेकिन जो पंजाब की धरती दे उत्ते मैं पंजाब दे लोकां नूं ही नहीं देश विदेश दियां सिख संगतां नूं भी बेनती करांगा, पहलां भी कीती है कि सानूं आप पहरेदार बनना पवेगा, जिथे जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाशमान ने उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी कदे भी सानूं सुनने नहीं छड़ने चाहिए, उस दे आले दुआले सानू पहरेदार बन के सीसीटीवी कैमरे लगा के सारे प्रबंध करने चाहिए ने, और बाकी धर्मों के भी जिहड़े धार्मिक ग्रंथ ने उन्हां नूं मैं बेनती करांगा, चाहे मंदिर के पुजारी होण, चाहे मस्जिद के होण, चाहे दूसरे वो भी अपने अपने धार्मिक स्थानों की आप रख्या लई चंगे प्रबंध करन, लेकिन पिंडां दे विच शहरां दे विच कस्बियां दे विच जिथे जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाशमान ने उत्थे कोई भी बेअदबी की घटना भविख दे विच ना वापरे, उस लई पिंड दी संगत नूं और इलाका निवासियां नूं कस्बे दे विच शहरां दे विच वसदे लोकां नूं अपने पद्धर दे उत्ते पूरे प्रबंध करने चाहीदे आ, क्योंकि हाजर नाजर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र स्वरूपां दी बेअदबी एक गहरी साजिश तहत की जा रही है, जदके सरबत दा भला मंगण वाली सिख कौम हमेशा अरदास दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दा ओट आसरा लैके जो कार्य करती है, और किरत करो नाम जपो वंड छको दा जिहड़ा सिद्धांत है उस दे उत्ते पहरा दिता जांदा है और आने वाले समय में दिता जांदा रहेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।